प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा आठ में विषय गणित में आज हम प्रश्न नंबर 284 आपकी, उसमें आप एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर रहे थे। आज हम इसमें अपने पास उसका अगला प्रकरण है कि समीकरणों को हल करना, अपने पास आज प्रकरण है समीकरणों को हल करना। जब है समीकरण के दोनों पक्षों में चर राशि हो, यानी अभी तक आपने जो समीकरण चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे उसमें जो समीकरण हल किया था उसमें एक ही पक्ष में चर राशि थी, दूसरे पक्ष में केवल अचर पद था, यानी अंगणित की संख्या थी अचर, यानी बीज रहने वाला जो चरमान है। अभी तक आपने जो रैखिक समीकरण पढ़ा उसमें केवल एक ही पक्ष में था, लेकिन आज हमें उसे और आगे विस्तार रूप से चलते हैं। तब उस प्रकार के समीकरण हैं जिनमें दोनों ही पक्षों में चर राशियां सम्मिलित है। तो जब दोनों ही पक्षों में चर राशियां हो तो इस प्रकार के जो रैखिक समीकरण है उसको हम किस प्रकार हल करेंगे उसके बारे में अपना प्रकरण है कि ऐसे समीकरणों को हल करना जब चर राशि समीकरण के दोनों ही पक्षों में हो। तो दोनों ही पक्षों में जब चर राशि हो तब हम उस प्रकार के समीकरणों को किस प्रकार पक्षांतरण करके और किस प्रकार हल करेंगे उसमें सबसे पहले उदाहरण हमारे है जिसमें समीकरण के दोनों ही पक्षों में चर राशि स्थित है। जैसे 2x-3 एक पक्ष हो गया बराबर, दूसरे पक्ष में है x+2। तो यहां अपना जो समीकरण है रैखिक उसमें कल जो हमने पढ़ा था वहां समीकरण के एक ही पक्ष में चर थी, यानी x का जो चर विद्यमान था वो एक ही पक्ष में था, लेकिन आज वाले समीकरण इस प्रकार के हैं कि उनके दोनों ही पक्षों में चर राशियां हैं। तब हम इस प्रकार के समीकरण को कैसे हल करेंगे उसके बारे में सीखना है। तो सबसे पहले हमें समीकरण में जो अचर पद है उसका एक पक्ष में पक्षांतरण कर देते हैं, 2x=x+2+3, और यहां लिखेंगे अचर पद का पक्षांतरण। करने पर यहां में अपना जो एक्स के साथ अचर पद का उस अचर पद का दूसरे पक्ष में पक्षांतरण कर दिया है, जहां ये माइनस का 3 का उस पक्ष में, इस पक्ष में प्लस का 3 हो गया है, या
2x = x + 5 हो गए। अब क्या करते हैं, अब अपने पास विकल्प है कि दोनों पक्षों में इधर 2x है, पिछले पक्ष में 1x है, तो हम इसको सीधी विधि से हल कर सकते हैं। ये x दो इस पक्ष में है, इसका भी पक्षांतर करके जो चरराशियां हैं उन चरराशियों को एक पक्ष में कर देते हैं और जो अचर राशियां हैं उसको दूसरे पक्ष में कर देते हैं। तो हमें फिर इसका पक्षांतर करके चर का पहले अचर पद का पक्षांतर कर दिया, अब जो चर पक्ष है चर राशि जो है उसका भी दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं। इसी प्रकार फिर अचर राशि का पक्षांतर करने पर 2x - x = 5, यानी ये 2x इस पक्ष में प्लस का था उसको इस पक्ष में ले आए, ये माइनस का हो गया। अब 2x जो है उनमें से 1x माइनस वाला कम हो जाएगा, तो इस पक्ष में x सर बचेगी और बराबर 5 बचेगा। अब ये x का कोई गुणांक नहीं बचा, केवल एक गुणांक है, तो इसके बराबर जो राशि है वो समीकरण का हल कराएगी। तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया 5। ये समीकरण हल करने के बाद समीकरण के जो उत्तर है उनकी जांच करनी है। जांच करने के लिए जो समीकरण के दोनों पक्ष हैं उसमें उसके स्थान पर हमें उसका जो हल प्राप्त हुआ है वो मान प्रतिस्थापित कर लेते हैं, यानी रख देते हैं। तो वो मान रखने पर अगर समीकरण के दोनों पक्ष तराजू की तरह संतुलित है तब तो समीकरण का हल सही है। अगर समीकरण संतुलित नहीं है, दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, तो आप ये सोचिए अपना जो हल है वो गलत है। तब हम इसकी जांच करते हैं। x बराबर 5 प्राप्त हो गया है, हल की जांच करना जो अपने पास प्राप्त हुआ है उसकी जांच करना। जांच करने के लिए जहां पर x है उसके स्थान पर उसके मान को प्रतिस्थापित कर देंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो समीकरण का हल सही है अथवा गलत। तो मान रखने पर x बराबर 5 रखने पर 2 × x^5 लिख दिया, −3 = x^5 लिख दिया, +2। अब हम देखते हैं कि इसको हल करने पर 502 से इनको कर दिया 10 हो गया, 10 − 3 = 502 7 हो गए, 10 में से 3 गए 7 = 7, यानी समीकरण के दोनों पक्षों में मान समान है, बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि अपना जो समीकरण है वो संतुष्ट है। तो इस प्रकार अपना समीकरण बताता है कि आपने जो हल प्राप्त किया है वो सही है। तो आपको इस प्रकार के समीकरण इस प्रश्नावली में कई प्रकार के समीकरण दिए गए हैं जिसे दोनों पक्षों में चरराशियां हैं, तो उन समीकरण को आपको अच्छी प्रकार से हल करना है। अगला प्रश्न है इसमें अलग अलग तरीके के जो प्रश्न है उसमें एक एक बिंदु आपको अलग अलग बता देता हूं जिसे
हल हो जाएंगे। इसमें दूसरा बिंदु है अभ्यास अपना 2.3 है, अभ्यास 2.3 प्रश्न ले तो उसका उसके अनुसार चले। अगला बिंदु है 5x प्लस 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2x 3/2x माइनस 14 है। अगला समीकरण इस प्रकार का है जिसके दोनों पक्षों में चर राशि भी है और चर राशि के साथ साथ चर राशि ऋणात्मक रूप में भी है, तब आप इस प्रकार के समीकरणों को किस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें अभी जो विधि लगाई थी कि आचर पद जो है उसका एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर दें, उसके बाद जब दोनों पक्षों में चर राशि बचेगी तो चर राशि का भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे। एक पक्ष में दोनों तरफ हम चर राशि रखेंगे, दूसरे पक्ष में अचर राशि। तो इस प्रकार समीकरण होगा, लेकिन जब पक्षांतरण करने पर पहले पक्षांतरण करते हैं अचर पद का 5x बराबर 3/2x माइनस 14 प्लस 7 माइनस 7/2, क्योंकि इस पक्ष में ये 7/2 प्लस का था तो इस पक्ष में पक्षांतर होने के कारण ये माइनस में चल गया है, या 5x बराबर 3/2x माइनस हम इसकी पहले लब्धम लेंगे जोड़ कर लेते हैं, या लब्धम लेके जोड़ करने से पहले जो चर राशि है उसका भी पक्षांतरण कर देते हैं। 5x इस चर राशि को इस पक्ष में लेते हैं 5x माइनस 3/2x बराबर माइनस 14 माइनस 7/2। अब चर राशि के जो पद थे वो सारे एक पक्ष में हो गए और अचर राशि के जो पद थे वो सारे एक पक्ष में हो गए। अब इनकी जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग है उसको हल कर लेंगे, फिर उससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। आगे हल करने पर इस राशि में सभी पदों को 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि नीचे 2 संख्या है और इसमें भी 2 है तो दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर देते हैं सभी पदों को। सभी पदों को 2 से गुणा करने पर तो सभी पदों को 2 से इंटू कर देते हैं 2 cos 5x माइनस 3/2x बराबर 2 cos माइनस 14 माइनस 7/2। अब इसके 2 पद होने के कारण कोष्टक लगाया गया है, जो हम गुणा करेंगे कोष्टक कट जाएगा और प्रत्येक पद को 2 से गुणा हो जाएगा, तब 5x को 2 से गुणा
बटा दो, इसमें दो से दो कट गया, इसमें भी दो से दो कट गए, तब ये हो गया 10x माइनस 3x बराबर माइनस के 28 माइनस के 7। इस प्रकार समीकरण हल हो गया। उसके बाद समीकरण में आगे हल करके उसके उत्तर प्राप्त करते हैं। 10x में से 3x कट गए पर इसके 7x बच गए बराबर, क्योंकि 3x माइनस का है 10x प्लस का है, इसलिए 10x में से 3x कट गए प्लस के 7x बच गए बराबर। ये माइनस का 28 और माइनस का 7 दोनों संख्या है, एक ही चिन्ह की है और एक साथ है इसलिए जुड़ रही है, तो दोनों संख्या माइनस में माइनस का 28 और माइनस का 7 माइनस के 35 बन गए। अब दो चरों से एन ऐड करके समीकरण अपना एक चर में प्राप्त हो गया है। एक चर वाला समीकरण आप पहले ही हल करना सीख चुके हैं। दोनों पक्षों में सात का भाग देने पर यानी एक्स का जो गुणांक है उसका दोनों पदों में भाग देंगे दोनों पक्षों में, तब एक्स का मान सात हो जाएगा, तो ये हो गया 7x बटा 7 बराबर माइनस 35 बटा 7। इस प्रकार समीकरण का हल प्राप्त हो गया, 7 से 7 कट गए x बचा बराबर 5 में 35 में 7 का भाग 5 पर और माइनस 35 है 7 प्लस का है तो माइनस प्लस का भाग माइनस रहेगा, तब x बराबर माइनस के 5 प्राप्त हो गए। इस प्रकार है एक्स का मान माइनस 5 प्राप्त हुआ। अब मैं समीकरण में एक्स का मान करके जांच करते हैं, समीकरण का अपना 5x प्लस 7 बटा 2 बराबर 3 बटा 2x माइनस 14। अब एक्स बराबर माइनस का 5 रखने पर यानी जहां एक्स है उसका मान 5 प्रतिस्थापित करते हैं, 5 इंटू माइनस 5 प्लस 7 बटा 2 बराबर 3 बटा 2 इंटू माइनस 5 और माइनस 14 माइनस 5 की हो गए माइनस 25 प्लस 7 बटा 2 बराबर ये हो गए माइनस के 15 बटा 2 माइनस 14। अब इसको हल करते हैं, सभी पदों को अभी क्या उसके प्रकार 2 से इंटू कर देते हैं, तब ये हो जाएगा माइनस का 50 प्लस का 7 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 15 और माइनस 28। इस प्रकार ये हो गया माइनस का 43 बराबर ये भी 8 5 13 को 3 हो 2 और 1 3 में 4 माइनस 43। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों पक्ष से बराबर हो गए। ये हमें बताते हैं कि हमने जो हल प्राप्त किया है वो उत्तर जांचने पर सही पाया गया है, दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, इसलिए जो समीकरण का हल प्राप्त हुआ है वो सही है। इस विधि से आप उत्तरों की जांच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप जो क्वेश्चन किया है वो सही हुआ या गलत, उसकी जांच की जा सकते हैं। साथ साथ में विद्यार्थी को पता लग जाता है कि
कि अपने द्वारा किया गया क्वेश्चन गलत है या सही। इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चन है जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आपको नोटबुक में हल करने हैं। जैसे लिखा 3x नंबर 1 है, 3x बराबर 2x प्लस 18 नंबर 2 क्वेश्चन है। 5t बराबर 3t माइनस 5 नंबर 3 है। 2x प्लस 24 बराबर x प्लस 7, तो इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है, साथ साथ में नोटबुक में नोट भी करना है। बाकी अन्य प्रकार के जो भिन्न तरीके के प्रश्न है और वे कल हल करेंगे, और इसको अच्छी प्रकार से नोटबुक में नोट करना है।